दोस्तों, मैं हूं जी, आपका अमेरिकन बेस्ड क्रिकेट कमेंटेटर। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की जो कंट्रोवर्सी चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान इज द होस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च में, और रूमर्स निकल रहे हैं कि इंडिया का टीम नहीं आएगा। बीसीसीआई कह रहा है कि उनको हकूमत अपने हकूमत से इजाजत नहीं मिल रही अटेंड करने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए। रूमर्स फैल रहे हैं कि आईसीसी प्लान्स बना रहा है कि को होस्ट होगा चैंपियंस ट्रॉफी शायद श्रीलंका में, शायद यूएई में, पता नहीं। फिर ये भी खबर आ रहा है कि पाकिस्तान इस प्लान के खिलाफ है। पाकिस्तान कह रहा है कि हर सूरत होगा पाकिस्तान में। तो ये हमें पता चला कि आईसीसी के जो एनुअल मीटिंग अभी हुआ श्रीलंका में, उसमें ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ, इंडिया का पाकिस्तान आना या ना आना। बजट वोट हुआ, बजट प्रेजेंट हुआ, बजट अप्रूव भी हुआ। तो ये यहाँ तक हमें पता है कि बजट अप्रूव्ड है, और बजट पहले से कम है, बट बजट इज अप्रूव्ड। मगर अब ये नहीं पता कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा। और इस टॉपिक पे दो पर्सपेक्टिव्स निकल रहे हैं पाकिस्तान से। एक तो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक परस्पेक्टिव, हसन अली ने कहा, जो क्रिकेट है, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ। हसन अली ने कहा कि इफ अगर हम इंडिया जा रहे हैं खेलने के लिए, उनको पाकिस्तान भी वापस पाकिस्तान भी आना चाहिए खेलने। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड काउंटलेस टाइम्स दैट स्पोर्ट शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल, मेनी इंडियन प्लेयर्स हैव सेड इन इंटरव्यूज दैट दे वांट टू कम प्ले इन पाकिस्तान। So it doesn't mean the team doesn't want to come. They definitely do. But obviously they have their own policies, right? और फिर आगे हसन अली ने कहा, as our chairman has already said, if the Champions Trophy is going to be held in Pakistan, then it will be in Pakistan. If India don't want to come, we'll play without them. आना चाहे ना आना चाहे, हम तो खेल रहे हैं पाकिस्तान में, ये इवेंट पाकिस्तान में होगा। क्रिकेट शुड बी प्लेड इन पाकिस्तान, and if India doesn't want to participate, it doesn't mean cricket has ended. There are many other teams besides them. ये तो एक hard, strong stance लिया उन्होंने। फिर ये भी खबर आया कि पाकिस्तान पीसीबी ये पोजीशन लेने वाला है कि अगर अगर इंडिया ने इतराज किया और इनकार किया आने से, और उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट होगा और हम पाकिस्तान के बाहर खेलेंगे, फिर पाकिस्तान ये पोजीशन लेगा कि आइंदा हम इंडिया पाकिस्तान मैचेस को बॉयकॉट करेंगे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि सबको पता है कि जो सबसे लुक्रेटिव, सबसे पैसे कमाने वाले मैच जो होते हैं वर्ल्ड कप में, वो है पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ मुकाबले में जो चलते हैं मैचेस। हर टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट गारंटी होता है कि पाकिस्तान इंडिया खेलेंगे, क्योंकि आईसीसी जान के उन दोनों को एक ही ग्रुप में डालता है, जैसे T20 वर्ल्ड कप में अभी डाला है। तो ये उनका पीसीबी का सुना है, रूमर है कि उनका स्ट्रेटजी ये है कि देखो ठीक है, तुम ना आओ, मगर हम ये मैच हमेशा के लिए बॉयकॉट करेंगे। हमारे क्या जाता है, सारा पैसा तो इंडिया को मिलता है, बहुत सारा पैसा इंडिया को मिलता है। आईसीसी को भी डर है कि यार ये मैच ना चले जाए, क्योंकि हमारा हमारी कमाई तो इसी मैच से होता है। तो पाकिस्तान के पास ये ही लेवरेज है, ये थ्रेट। मगर अगेन ये रूमर है, अगर ये ले, ये पोजीशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि निगोशिएशन के एंगल से अगर आप देखें, वो बहुत ही तेज किस्म की टैक्टिक है। बट ये एक और भी पर्सपेक्टिव निकल रहा है,
पाकिस्तान से, खालिद महमूद साहब जो फॉर्मर पीसीबी चीफ है, ये एक ऑपोजिट परस्पेक्टिव ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देर आर वेरी वेरी स्लिम चांसेस दैट इंडिया विल अग्री टू प्ले इन पाकिस्तान। इंडिया इज द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड एंड कैरीज अ लॉट ऑफ क्लाउड। इफ दे डोंट सेंड देयर टीम टू पाकिस्तान, आई फॉरसी इवन कंट्रीज लाइक श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश फॉलोइंग देयर पाथ। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया कहता है कि हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी की फिक्र है, तो फिर बहुत सारे मुल्क उन्हीं की तरह यही कहेंगे, जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। आगे जाके खालिद महमूद ये कहते हैं, उनका मशवरा है पाकिस्तान पीसीबी के लिए कि ये लुक, द थिंग इज दिस लेवल यू कैन ओनली लॉबी एंड ट्राई टू कन्विंस द अदर बोर्ड्स टू बी ऑन योर साइड। इंडिया हैज टू मच क्लाउड इन द आईसीसी, इट वुड डू नो गुड फॉर पाकिस्तान टू अडॉप्ट अ टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये टैक्टिक के हम बॉयकॉट करेंगे पाकिस्तान इंडिया मैचेस के। खालिद महमूद साहब ये कह रहे हैं कि देखो, पाकिस्तान के पास इतना पावर नहीं है और पाकिस्तान इंडिया से ऐसे लड़ नहीं सकता है, आखिर में नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। कहते हैं, थिंग इज व्हेन द बीसीसीआई सेज इट कैंट सेंड इट्स टीम एंड विल प्ले इट्स मैचेस आउटसाइड पाकिस्तान, इट डज रिड्यूस द पर्पस फॉर पाकिस्तान ऑफ होस्टिंग एन आईसीसी इवेंट। तो ये हैं पर्सपेक्टिव्स इस टॉपिक पे। अब आज तक कोई फाइनल रेजोल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि अभी तक ठीक से कॉन्फ्रेंटेशन नहीं हुआ। रूमर्स है, सुना है कि एनुअल मीटिंग में जो श्रीलंका में अभी हुआ, कि मोहसिन नकवी पीसीबी चेयर और जय शाह बीसीसीआई सेक्रेटरी, जो सबको पता है अमित शाह का बेटा है, ऑब्वियसली अमित शाह इज नरेंद्र मोदीज मेन डेप्यूटी, तो ये अमित शाह का बेटा इज जय शाह, और उसकी और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई थी श्रीलंका में। ठीक से उन्होंने बात किया, साइड लाइन्स पे हाथ मिलाया, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज किया, मगर सब्सटेंटिवली अभी तक पता नहीं हुआ, वो पता नहीं चला कि क्या बात हो रही, क्योंकि इट इज नॉट ऑफिशियल येट। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट स्टोरी, डेवलपिंग स्टोरी। हम देखते रहेंगे, हम इन टच रहते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, और आपको भी बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि दिस विल बी इंटरेस्टिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट एंड साउथ एशियन क्रिकेट। आखिर में आई थिंक सब सारे जो क्रिकेट फैंस हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया मैचेस खेले, जितने खेल सकते हैं खेले, दैट वुड बी गुड फॉर द स्पोर्ट। पर ऑब्वियसली ये सियासती दुनिया है, सियासत को आप निकाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते इन इन मामलों में। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस।